डीके इस वक्त संजय सिंह, आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधे रुक करते हैं। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। नफरत, दुर्भावना और द्वेष से भरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसका एक ही मकसद रह गया है, आम आदमी पार्टी को बदनाम करो, मनीष सिसोदिया को एन केन प्रकारण किसी भी तरीके से जेल के अंदर रखो। कोई साक्ष्य मनीष सिसोदिया के खिलाफ अब तक नहीं मिला। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, आप बताइए देश को सामने आकर, मनीष सिसोदिया के घर 14 घंटे सीबीआई की छापेमारी हुई, कुछ नहीं मिला। गांव में छापेमारी हुई, कुछ नहीं मिला। दफ्तर में छापेमारी हुई, कुछ नहीं मिला। बैंक में छापेमारी हुई, कुछ नहीं मिला। पहली चार्जशीट आई, कुछ नहीं मिला। दूसरी चार्जशीट आई, कुछ नहीं मिला। 5 दिन सीबीआई ने पूछताछ की, कुछ नहीं मिला। 2 दिन फिर पूछताछ की, कुछ नहीं मिला। और जब 10 तारीख को मनीष सिसोदिया जी की सीबीआई के मामले में जमानत पर कोर्ट में सुनवाई होनी थी, उसके ठीक पहले 10 महीने से सो रही ईडी को जगाया गया, जागो जागो, अरे कुछ तो करो, कैसे ये बाहर आ जाएगा। ठीक जमानत की सुनवाई के एक दिन पहले ईडी पहुंच जाती है और गिरफ्तार कर लेती है मनीष सिसोदिया जी को। आज बताइए पूरे देश को, जिस घोटाले को मोदी जी, आप और आपकी पार्टी सैकड़ों हजारों करोड़ का घोटाला बता रही है। कोई कहता है 10,000 करोड़ का घोटाला, कोई कहता है 2,000 करोड़ का घोटाला। इतने छापेमारियों के बाद, पूरी सीबीआई ईडी लगाने के बाद, सारी जांच एजेंसियों की ताकत झोंकने के बाद क्या बरामदगी हुई, आप बताइए। पूरे देश को सामने आकर बताइए क्या क्या आपने बरामद किया, कितने पैसे मिले मनीष सिसोदिया के घर, कितनी रिकवरी हुई मनीष सिसोदिया के घर,